दोस्तों, घर की छत जो खाली रहती है, अगर आपको कहा जाए कि आप उस पर कुछ ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिससे महीने के हजारों नहीं लाखों भी कमा सकते हैं, तो आज मैं ऐसे ही 8 बिजनेस आपको बताऊंगा जो कि आप घर की छत पर कर सकते हैं, और घर की छत पर ये बिजनेस करके आप महीने के हजारों से लेके लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, 8 मैं सोर्स आपको बताऊंगा जिनसे आप घर की छत पर बिजनेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, उसके पास में बेल आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे इसी तरह की बिजनेस आइडियाज की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने की टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। घर की छत पर सबसे पहले देख लेते हैं हम 8 नंबर। 8 नंबर पे है घर की छत पर लगाएं नर्सरी। घर की छत पर फलों हैं, सब्जियों हैं, फूलों की नर्सरी लगा कर आप आसानी से बिजनेस कर सकते हैं, और 15 से 20 हज़ार रुपये के इन्वेस्टमेंट में पौधे हैं, जैसे छोटे प्लांट हैं, गमले हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन है, खाद है, इक्विपमेंट, ये सब आसानी के साथ मिल जाएंगे, और इससे आप महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये या इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, क्योंकि नर्सरी लगाना इतना डिफ़िकल्ट काम है नहीं है। नर्सरी आप आपकी छत पर लगाएंगे तो इससे अच्छा खासा मुनाफा होगा, और ये नर्सरी से जो आपके प्लांट बने उनको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप भी गुलाब की नर्सरी बाजार से लाते हैं, आप भी कई दूसरे पौधों की नर्सरी बाजार से लाते हैं, पपीते की नर्सरी बाजार से लाते हैं, तो क्यों ना आपके छत का उपयोग करके आप नर्सरी बनाएं और उस नर्सरी से बने प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेचें। ये 8वां हुआ। अब 7वां नंबर पर आप जो बिजनेस कर सकते हैं छत पर, वो है घर की छत पर मधुमक्खी पालन। लेकिन इसका आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में छोटे बच्चे ना हों। छोटे बच्चे हों और अगर वो छत पर जाते हैं तो इससे उनको नुकसान हो सकता है। तो आप अपने छत, घर की छत पर आसानी से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, और भारत सरकार इस बिजनेस के लिए आपको सब्सिडी भी देती है। तो आसानी के साथ आप भारत सरकार की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर मधुमक्खी पालन से संबंधित पूरी जानकारी लें, और इस मधुमक्खी पालन से भी आप आसानी के साथ 20,000 से 40,000 रुपये कमा सकते हैं। 6वां नंबर है अपनी छत पर फलों की खेती कर। दोस्तों, ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि फलों की खेती भी छत पर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, कई ऐसे फल हैं जिनकी जड़ें ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं, जिनमें ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप ऐसे फलों की खेती कर सकते हैं। आप आसानी से अपनी घर की छत पर लगाकर पैसा कमा सकते हैं। अब 5वें नंबर पर, छत पर मोबाइल टावर लगाकर। आज के ज़माने में, स्मार्टफोन के युग में, मोबाइल टावर का ऑफ़र कई कंपनी दे रही हैं, जिनमें जियो भी है, आइडिया है, एयरटेल, अपने अपने मोबाइल टावर लगाने का ऑफ़र देती हैं। आप ऑनलाइन मोबाइल टावर लगाने के लिए अप्लाई कर इससे आसानी से 50,000 रुपये प्रति महीना कमा सकते हैं। मोबाइल टावर की कैसे लगाएं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाएं और वहां पर देंगे मोबाइल टावर से आप कितना पैसा कमा सकते हैं। 4वां नंबर, छत पर सोलर प्लांट लगाकर। सोलर प्लांट लगाकर आप अपने घर की बिजली का खर्च कम कर सकते हैं, और साथ में यहाँ भारत सरकार से सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी लेकर कम पैसे खर्च कर आसानी से सोलर प्लांट लगा सकते हैं, और इस सोलर प्लांट में जो बची हुई बिजली है उसको आप बेच भी सकते हैं। कई प्राइवेट कंपनी भी आपको सोलर प्लांट लगाने में सहयोग करती हैं, और भारत सरकार भी सब्सिडी देती है, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पावर बन रही है तो आप उसको बेच भी सकते हैं भारत सरकार की हेल्प से, या फिर कई प्राइवेट कंपनी है वो भी आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो सोलर प्लांट लगाकर भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, और लगभग 15,000 से 50,000 रुपए या इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। 3रे नंबर, घर पर सब्जियों की खेती कर। सब्जियों की खेती तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियों की खेती के लिए ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनकी जड़ें ज़्यादा नीचे तक जाती नहीं हैं, तो आप अगर एक लेयर भी आपकी छत पर कर देते हैं और उसको अच्छे तरीके से, जिससे कि पानी नीचे ना जाए और मिट्टी को बिछाकर, उसमें सब्जियों की खेती तो मिनिमम कर ही सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि धनिया है, मिर्ची है, भिंडी है, ये सब्जियों खेती अनेक लोग पैसा कमा रहे हैं, डेली का 1 से 2 हज़ार आसानी से कमाने के लिए आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। 2रे नंबर पे चलते हैं, छत पर फूलों की खेती से। गुलाब है, गेंदा है, आदि फूलों की खेती से आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं, और फूलों का कितना महत्व है ये तो आप जानते ही हैं। हमारे मंदिरों में, हमारे अगर देखा जाए तो डेकोरेशन में, किसी दूसरे को गुलदस्ता देने में, घर की सजावट में, और भी तमाम तरह के कामों में फूलों का बहुत महत्व है। तो आप डेली का अर्निंग कर सकते हैं 1,000 से 2,000, इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं अगर आप फूलों की खेती करते हैं।
नंबर पहला है घर की छत पर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाकर। ये अभी आधुनिक है, अगर इसकी बात करें तो आज के ज़माने में हर कोई अपने अपने बिजनेस को अच्छी अच्छी मार्केटिंग करना चाहता है और घर की छत पर एडवर्टाइजमेंट का ऑफर मार्केट में कई कंपनियां देती हैं। आप अपने एरिया में ऐसी कंपनियां जो घर की छत पर अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाने के बदले पैसा देती हैं, सर्च करना पड़ेगा, या फिर आप ऑनलाइन भी आप ऐसी कंपनियों के नाम सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से घर की छत पर आप 8 तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 8 तरीके में से अगर आप 2 से 3 तरीके का भी घर की छत पर बिजनेस करते हैं तो महीने के कुछ हजार से लेकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। एक बार ट्राई जरूर करना। आप नर्सरी कर सकते हैं, आप सोलर प्लांट लगवा सकते हैं, आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगवा सकते हैं। ये तमाम तरीके की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो आप 8 तरीके से में से कोई सा भी तरीका अपना कर आप अपनी छत को एक बिजनेस का माध्यम जरूर बनाएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त